हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी। डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आप थ्री पेटल्स का फ्लावर देख रहे हैं, उसके किनारे किनारे दो बर्ड्स बनी हुई हैं। तो ये डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस छोटी रिंग से। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल को कम्प्लीट करते समय इसके साथ एक रिंग और बनाएंगे, जो कि हमारा बीच का ये रिंग बनेगा। ये रिंग बनाया, देन सेमी सर्कल, फिर उसके बाद हमने ये थ्री पेटल्स का फ्लावर बनाया, देन सेमी सर्कल, फिर हमने सेमी सर्कल पे एक रिंग बड़ा और बनाया, सेमी सर्कल, देन ये छोटी बर्ड्स और बनाई, देन हम ये सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे। इस सेमी सर्कल पे हम ये थ्री पेटल्स का फ्लावर भी बनाएंगे। छोटी रिंग, सेमी सर्कल, नीचे का रिंग, फिर सेमी सर्कल और थ्री पेटल्स का फ्लावर, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, फिर ये बर्ड्स, सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के ऊपर थ्री पेटल्स का ये फ्लावर बनाते हुए इस तरह से पूरी डिजाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के धागे लिए हैं, रेड और ग्रीन। रेड का हमारा जो कलर है नंबर 0047, और जो ग्रीन का नंबर है वो है 0022 और 9। ये देखिए, इसके लिए मैं दो शटल ले रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए दो शटल की ज़रूरत है और मैंने दोनों शटल पे अपने कलर भर लिए हैं। सबसे पहले हमने दोनों शटल के धागे को आपस में बांध लिया है और वीविंग करते हुए हमने बनाया है 5 डबल स्टिच। एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसको काट दीजिए। पिकॉट, टू डबल स्टिच, पिकॉट, लास्ट में थ्री डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। 5, 2 और 3 का ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये छोटी सी एक रिंग बन गई। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए सेमी सर्कल बनाना है हमें। वीव करते बनाइए 9 डबल स्टिच।
इसको चम्मच से चला के, ये 9 डबल स्टिच हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को काट दीजिए। पिकॉट, ये देखिए इस तरह से बन गया। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सेमी सर्कल हाफ बन गई है। अब हमें इसी के आगे से एक सेमी सर्कल पे ही रिंग बनाना है। तो रेड थ्रेड को यूज करते हुए हम बनाएंगे 4 डबल स्टिच। पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट। अब यहाँ पे मैं बीट्स डाल देती हूँ। फोर डबल स्टिच, पिकॉट, 6 डबल स्टिच, लास्ट में 6 डबल स्टिच कीजिए। ये देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई। एक रिंग कंप्लीट हुआ है। अब हम फिर से अपना सेमी सर्कल बनाएंगे। अब बनाइए 10 डबल स्टिच, आगे सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए 10 डबल स्टिच करके। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। ये देखिए ये इस तरह से बन गया। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से रेड थ्रेड से बनाइए 8 डबल स्टिच। पास में ले जाकर छोटा जो रिंग बनाया था उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए 8 3 2 का। ये स्मॉल रिंग कंप्लीट किया। ये देखिए ये इस तरह से आ गया। अब हमें बड़ा रिंग बनाना है तो सबसे पहले 2 डबल स्टिच,
पिछले पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। अगेन टू डबल स्टिच। फिर से इसको इस वाले पिकॉट जो पहला रिंग बनाया था सबसे स्टार्टिंग में उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। अब बनाइए 12 डबल स्टिच। पिकॉट टू डबल स्टिच, पिकॉट अगेन टू डबल स्टिच। इस तरह से ही अपना बीच का रिंग कंप्लीट हुआ। अब अपना थर्ड रिंग बनाएंगे, तो सबसे पहले पास में ले जाकर टू डबल स्टिच, पिछले पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, इसको भी पिकॉट से अटैच कर दीजिए। लास्ट में 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। टू थ्री और एट का ये लास्ट हमारा रिंग बना। इस तरह से हमारा थ्री पेटल्स का एक स्मॉल फ्लावर बन गया। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करके हमें फिर से सेमी सर्कल बनाना है। टेन डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर थोड़ा टाइट कर दीजिए। 10 डबल स्टिच होने के बाद अब हम फिर से इसको फ्लिप करेंगे और इस तरह का एक रिंग और बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यहाँ पे एक रिंग ग्रीन बनाऊंगी और एक रेड। रेड हम बना चुके हैं, वो हम ग्रीन कलर का एक रिंग और बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाइए 6 डबल स्टिच, पास में ले जाकर पिछले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, अब यहां पे बीट्स डाल दीजिए।
4 डबल स्टिच। पिकॉट अगेन 4 डबल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच वाला रिंग एक रेड एक ग्रीन। अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वो रेड कलर का बनाएंगे। तो ये ग्रीन बन गया है। अब ग्रीन थ्रेड को ही फिंगर पे लपेट लीजिए, क्योंकि हमारा जो सेमी सर्कल है वो ग्रीन कलर का है, और फिंगर पे हम जो थ्रेड लपेटते हैं उसी कलर का हमारा सेमी सर्कल बनता है। अब बनाइए 4 डबल स्टिच। पिकॉट 9 डबल स्टिच। टाइट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये सेमी सर्कल बन गया। फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे हमारा जो जहां पे ग्रीन रिंग बनेगा उसका सेमी सर्कल एकदम क्लीन बनेगा, ये देखिए। लेकिन जहां पे रेड वाला सर्कल बन रहा है वहां पे इस तरह से सेमी सर्कल बन के आ रहा है, एकदम राउंड नहीं बन के आ रहा है। इसका रीजन ये है कि हम जिस सेमी सर्कल पे जो रिंग बनाते हैं उसी थ्रेड को अगर हम फिंगर पर लपेट के सेमी सर्कल बनाते हैं तो हमारा जो ये सर्कल है नीचे वाला बिल्कुल क्लीन बन के आता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर रेड बनाया है। अगर हम रेड को ही अपने फिंगर पर लपेट कर सेमी सर्कल बनाते हैं तो ये आधा ग्रीन और आधा रेड बन जाता, लेकिन ये चीज एकदम क्लियर आ जाती, जो कि मैं नेक्स्ट रिंग में आपको करके दिखाती हूँ। अब फिर से डिजाइन को फ्लिप कीजिए। अब हमें फिर से ये छोटा वाला रिंग बनाना है जो कि हमने इस 3 पेटल्स के साइड में बनाया था। तो यहां पर हमें एक रिंग बनाना है। तो सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच। पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। टू डबल स्टिच। इसको भी अटैच कर दीजिए। बनाइए 5 डबल स्टिच। इस तरह से हमारा एक मोटिफ एक साइड का कंप्लीट हो गया, ये देखिए। अब फिर को डिजाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। 8 डबल स्टिच पास में ले जाकर थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। पिकॉट 2 डबल स्टिच। ये
ये देखिए इस तरह से सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ। अब ग्रीन थ्रेड को छोड़ दीजिए और रेड थ्रेड से हमें इसी सेमी सर्कल के ऊपर एक 3 पेटल्स का फ्लावर बनाना है। तो सबसे पहले बनाइए 2 डबल स्टिच, ग्रीन सेमी सर्कल पे जो हमने पिकॉट बनाया था उसके साथ अटैच कर दीजिए इसको। इस तरह से अब बनाइए 8 डबल स्टिच। पिकॉट और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। 2, 8 और 2 का ये रिंग स्मॉल रिंग बना इस तरह से। इसी में अब अपना सेकंड रिंग बनाएंगे ऊपर। तो सबसे पहले 2 डबल स्टिच, फिर से पिकॉट से अटैच कर दीजिए। सिक्स डबल स्टिच, अब यहाँ पे हम बीड्स डाल रहे हैं। आप अपनी मनपसंद की कोई भी बीड्स डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर इस तरह की मल्टी कलर, देखिए छोटी बीड्स है, इसमें मल्टी कलर से ब्लू भी है, ग्रीन भी है और ब्लैक, इस तरह की यहाँ पे मैं 3 बीड्स डाल रही हूँ निडल की हेल्प से। शटल पास कर दीजिए अब इसमें और ट्रायंगल शेप बनाकर इसमें नॉट लगाइए। फिर से 6 डबल स्टिच, तो ये देखिए इस तरह से आगे बीट्स। पिकॉट 2 डबल स्टिच, टू सिक्स सिक्स टू, इस तरह का ईयरिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 डबल स्टिच पास में ले जाइए, पिछले भी कॉर्ड से इसको अटैच कर दीजिए। एट डबल स्टिच, पिकॉट 2 डबल स्टिच, 2, 8, 2 का ये रिंग थर्ड वाला। ये देखिए इस तरह से हमारा तीसरा रिंग कंप्लीट हो गया। अब ग्रीन धागे को फिर से फिंगर पर लपेटिए और आगे का सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले 2 डबल स्टिच बनाइए,
डबल स्टिच के बाद हमने जो ये रिंग में पिकॉट बनाया था इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद 8 डबल स्टिच का सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। अब सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद फिर से हमने ये वाला रिंग बनाया जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाया था, ये छोटा सा रिंग ये वाला। तो डिज़ाइन को फ्लिप करके 5 पिकॉट, 2 पिकॉट और 3 स्टिच का हमने ये रिंग कंप्लीट किया। अब हम फिर से वहीं पर पहुंच गए हैं जहां से हमने अपनी डिज़ाइन स्टार्ट की थी। ये देखिए, इस बार मैं आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था जो सेमी सर्कल बनता है क्लीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ग्रीन वाली डिज़ाइन के नीचे क्लीन हुआ है। तो इस बार मैं थ्रेड आपको चेंज करके पूरा मोटिव फिर से समझाती हूँ कि क्या फ़र्क होता है, इससे आपको भी पता चल जाएगा। ये रिंग बनाने के बाद अब हम अपना बीच का रिंग बनाएंगे। छोटी रिंग बनने के बाद अब हम सेमी सर्कल बनाएंगे अपना। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए बनाइए 9 डबल स्टिच। पिकॉट 4 डबल स्टिच कर दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये इस तरह से बन के आ गया। हमें फिर से अपना ये वाला रिंग बनाना है जो हम नीचे बना रहे थे, सफ़ेद बीड्स जिसमें हमने डाली थी। तो डिज़ाइन को यूँ फ्लिप कीजिए। अब हम फिर से रेड बनाएंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये रेड पास में ले जाके 4 डबल स्टिच। 4 डबल स्टिच करने के बाद हम पिछले रिंग से इसको अटैच करेंगे। फोर डबल स्टिच, बीट्स डालिए, फोर डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच। ये देखिए, हमारा रिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहीं से रेड कलर का रिंग बनाया था और ये रेड कलर पे ही दिक्कत आ रही थी ये सेमी सर्कल में। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा ग्रीन कलर कितना क्लीन आया इस तरह से, जबकि रेड में ये इतना क्लीन नहीं आया, यहाँ से ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज़ ब्रेक हो रही है। अगर ये सिंगल वन थ्रेड से होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पर हम दो कलर यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। अब हमने रेड कलर का रिंग बनाया था तो रेड कलर को ही हम फिंगर पर लपेट रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेमी सर्कल का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी है कि ये ऐसा क्यों होता है। फोर डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर, पिकॉट और 9 डबल स्टिच। टाइट कर दीजिए। ये देखिए, अब इस सर्कल को देखिए, आप कितना क्लीन आया बिल्कुल पास में से। देखिए, यहाँ से थ्रेड जरूर चेंज हो गया है, लेकिन ये चीज़ हमारी एकदम क्लीन आई है, जैसे कि ग्रीन वाला हमारा क्लीन आया था। इस सेमी सर्कल पे हमें ऊपर रिंग बनाने के बाद भी एकदम नीटनेस आई है। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद अब हम रेड कलर का छोटा रिंग कौन सा बनाना है ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला। ये वाला रिंग अब हम फिर से बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच।
पिछले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉर्ड, टू डबल स्टिच, एट, थ्री और टू का रिंग कंप्लीट कीजिए। अब बीच का रिंग कंप्लीट कीजिए, पास में ले जाइए और बनाइए टू डबल स्टिच। अटैच किया, टू डबल स्टिच अटैच किया, सिक्स डबल स्टिच, अगेन सिक्स डबल स्टिच, पिकॉट, टू डबल स्टिच, पिकॉट, टू डबल स्टिच। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बीड्स नहीं डाली थी इस वाले रिंग पे, लेकिन इधर मैं बीड्स डाल के बता रही हूँ आपको कि हम इसे और भी ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकते हैं इस पैच को। अब फिर से स्मॉल रिंग एक और बनाइए साइड वाला, टू डबल स्टिच, अटैच कीजिए, थ्री डबल स्टिच, और एट डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा थर्ड रिंग भी कंप्लीट हो गया इस तरह से। डिजाइन को फ्लिप करके फिर से हम सेमी सर्कल बनाएंगे। टेन डबल स्टिच होने के बाद अब हम फिर से रिंग बनाएंगे अपना। यहाँ पे हमने रेड कलर का रिंग बनाया था, अब हमें ग्रीन बनाना है। एक मोटिफ में दो सेमी सर्कल, दो रिंग आते हैं नीचे के, दो ये हो गए और दो ये हो गए। इसी तरह से आप पूरा मोटिफ कंप्लीट कीजिए। नीचे हमारे ये सर्कल जो बनेगा ये 12, टोटल 12 रिंग का सर्कल बनेगा इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी डिज़ाइन लास्ट में आ गई है। लास्ट वाला रिंग जो हम बनाएंगे वो दो जगह से अटैच होगा, एक हमने रेड के साथ अटैच किया है और स्टार्टिंग में जो हमने रेड कलर बनाया था उसके साथ भी हम इसको अटैच कर रहे हैं। ये देखिए, अब फिर से बनाइए लास्ट में फोर डबल स्टिच। ये देखिए बीच का रिंग कंप्लीट हो गया, अब हमें फिर से सेमी सर्कल बनाना है। तो डिजाइन को फ्लिप कीजिए, फोर डबल स्टिच, पिछले वाले सेमी सर्कल के साथ में इसको अटैच कर दीजिए। नाइन डबल स्टिच, थ्रेड को चेंज कीजिए और लास्ट छोटा सस रिंग बनाइए जो कि हमारा यहाँ पे अटैच होता है। जैसे हमारा ये अटैच हुआ था, सेम यहाँ पर एक छोटा रिंग और बनाइए। स्मॉल रिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से सेमी सर्कल बनाइए और टॉप का मोटिफ बनाइए जो कि ये वाला था। ये हमारा लास्ट
बनेगा, इसको कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा ये मोटिव भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस जगह से हमने ये स्टार्ट किया था, सबसे पहले यहीं पे हम इस वाले लास्ट सेमी सर्कल को अटैच कर देंगे। नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पूरा मोटिव कंप्लीट हो गया है। बीच में हमारा 12 रिंग का ये पूरा एक क्लस्टर तैयार हुआ है। 6 पेयर हैं, रेड और ग्रीन मिला के टोटल 6 पेयर बने हैं इसमें। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको डिज़ाइन समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।